हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ डीबी सर। और आज हम ओरिसा एजुकेशन सर्विस का जो स्कूल ब्रांच है उसका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स हमको प्रिफर करना चाहिए, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो एडवर्टाइजमेंट किया था 2021 में, उसका बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है, मे बी दिसंबर को। अगर आप ओपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। टेंटेटिव मंथ वहाँ पर दिया गया है, तो वहाँ पर देख कर भी आप पता कर सकते हैं कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए रिक्रूटमेंट कैलेंडर, यहाँ पर सबसे नीचे दिया गया है OES का। ये देखिए OES 13 नंबर पर है। OES ग्रुप बी अंडर स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसका एडवर्टाइजमेंट डेट था 18/10/2021 और इसका रिटिन भाइवा ये सारा कुछ होने वाला है। एक्सपेक्टेड मंथ दिया गया है December 2022, मतलब दिसंबर तक एग्ज़ाम होने की चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो हमारे पास बहुत ही कम टाइम है, उस कम टाइम में मे बी 2 या 3 महीने ही हमारे पास बचा है। तो इस 1 या 2 महीने में हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन से बुक्स हम पढ़ें ताकि और बेहतर से हम कॉन्सेप्ट को क्लारीफाई कर सके और बेटर मार्क्स ला पाए, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 ऑफ 2021 एंड 22। तो ये है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब तो आपको मालूम ही होगा। हम सीधे चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है उसको देखते हैं। ओके, तो मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पर देखिए रिटिन होता है, रिटिन के साथ वाइवा भी होता है। ओके, तो रिटिन जो है, रिटिन में आपका जनरल इंग्लिश का रहता है 100 मार्क्स, फिर जनरल नॉलेज रहता है 100 मार्क्स, एजुकेशन का रहता है 150 मार्क्स और लास्ट में वाइवा होता है 150 मार्क्स। तो टोटल हो गया 500 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। ओके, 500 मार्क्स का। पिछले साल क्या होता था, ये सारे डिस्क्रिप्टिव होते थे, ये तीनों डिस्क्रिप्टिव होते थे, लेकिन अभी हाल ही में 2022 में एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। तो ये है वो नोटिफिकेशन नंबर 11/5/2022 का। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 15 ऑफ 2021 और 22 का है, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका जो जनरल नॉलेज है और एजुकेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप या OAMR बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ओके, और बाकी जो रह गया जनरल इंग्लिश का, उसका सब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब जीके जो है, जीके, ओके, जनरल नॉलेज, उसका जो 100 मार्क्स आएगा ये सीधा मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। फिर जो एजुकेशन का है, एजुकेशन का जो 150 मार्क्स का है, ये भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होंगे। बाकी बच गया इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का है, उसका क्या होगा, उसका डिस्क्रिप्टिव होगा। ओके, डिस्क्रिप्टिव होगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ये सारे कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसी एडवर्टाइजमेंट का सबसे जो लास्ट पर्सन है, लास्ट पर्सन में टोटल सिलेबस दिया गया है। तो ये है सिलेबस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और सिलेबस में आप देख सकते हैं 3 सेक्शन है। एक है जनरल इंग्लिश का 100 मार्क्स आता है, लेकिन 100 मार्क्स में ये क्या करते हैं, ऐसे रहता है इंग्लिश का, एक ऐसे रहता है, ये 50 मार्क्स का रहता है, और उसके साथ साथ और एक पार्ट उसका रहता है जो कि प्रिसीज राइटिंग रहता है। ओके, उसके साथ साथ लेटर राइटिंग भी एक रहता है। ओके, तो 50-50 100 हो गए। क्वेश्चंस कैसे रहते हैं ये आप देख सकते हैं, जनरल इंग्लिश का ये 2015 का क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप देखिए, राइट एसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक। ओके,
तो यहाँ पर पांच ऐसे दिया गया है, पांच ऐसे यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, फिर यूथ के ऊपर क्वेश्चंस है, रोल ऑफ वुमेन के ऊपर क्वेश्चंस है, इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड विजडम इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन है। तो ये 50 मार्क का है, ये आप देख सकते हैं। फिर जो दूसरा नंबर है देखिए प्रिसीज राइटिंग है, तो ये 20 मार्क्स का दिया गया है। इसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हैं इसके इसी पैराग्राफ को बेस करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि 10 मार्क्स का है, ओके। और लास्ट में जो है लास्ट नंबर ये देखिए एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिया गया है, उसी प्रैक्टिकल सिचुएशन के बेस पर एक लेटर राइटिंग के लिए कहा गया है, ओके। तो इसका भी 20 मार्क्स रहता है, तो टोटल होके 100 मार्क्स होगा। ऐसे हो गया, ओके, ऐसे हो गया 50 मार्क्स, प्रेसिस हो गया 20 मार्क्स, फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं 10 मार्क्स, और लेटर राइटिंग हो गया 20 मार्क्स, ओके। तो ये हो गया 100 मार्क्स। तो इसके लिए हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ सकते हैं, मेरे हिसाब से तो ऐसे के लिए आप अलग से बुक्स प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है ये ग्रेजुएट लेवल का आएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है द पेपर विल बी ग्रेजुएट डिग्री स्टैंडर्ड, ओके। तो ग्रेजुएट डिग्री स्टैंडर्ड मतलब ओएएस में जैसे एसए के लिए प्रिपेयर होते हैं, यूपीएससी में जैसे प्रिपेयर होते हैं, उसी स्टैंडर्ड से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जैसे कि आप कौन से बुक्स प्रिफर करेंगे, तो एसए के लिए जो सबसे बेहतरीन बुक है वो आर्यहंत का है 151 एसए। इसमें बहुत सारे टॉपिक को लेकर ये ऐसे दिया गया है, ये इतना बेहतरीन लिखा गया है कि यूपीएससी के बंदे भी इस बुक्स को बहुत सारे प्रिफर करते हैं। तो क्या है थोड़ी आप बहुत देख लेते हैं, कॉन्टेम्पोरारी इशू को लेकर बहुत सारे ऐसे भी आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए अभी का जो बहुत सारे इशू चल रहे हैं उसी के ऊपर है, जीएसटी के ऊपर है, बुलेट ट्रेन के ऊपर है, डीमोनिटाइजेशन के ऊपर है, बीफ बैन के ऊपर है, मर्जर ऑफ बैंक के बारे में भी है, इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन आर्म फोर्स के बारे में है। ये देखिए बहुत सारे इशू, कश्मीर इशू है, आधार कार्ड है, फार्मर सुइसाइड है, बहुत सारे इशू जो अभी के कॉन्टेम्पोरारी इशूज़ है, बर्निंग टॉपिक्स है, उसी के ऊपर ऐसे है। फिर पॉलिटिकल इशू देखिए, पॉलिटिकल इशू, पॉलिटिकल सिनेरियो को बेस करके भी बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, उसी के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर है, ई गवर्नमेंस के ऊपर है, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल के ऊपर है, नीति आयोग के ऊपर है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में है, आरटीआई एक्ट के बारे में है, ओके। तो ऐसे करके पॉलिटिकल इशू के बारे में है, फिर इकोनॉमिकल इशू के बारे में भी बहुत सारे ऐसे है, जैसे कि मेक इन इंडिया हो गया, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, बैंक सेक्टर में रिफॉर्म्स कैसे आएगा इसके ऊपर हो गया, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी है, स्किलिंग यूथ के ऊपर है, बहुत सारे प्लानिंग इन इंडिया कैसे होनी चाहिए उसके, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी, अभी तो क्रिप्टो करेंसी का बहुत सारा भी इशू चल रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी के भी ऊपर क्वेश्चंस है, ओके। तो क्रिप्टो करेंसी के भी ऊपर ऐसे है। फिर अभी हमने जो देखा था साइंस और टेक्नोलॉजी से भी एक आ रहा है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी से भी बहुत सारे ऐसेज है। फिर एनवायरमेंटल इशू में भी लास्ट क्वेश्चन जो था एनवायरमेंटल इशू के ऊपर था, तो एनवायरमेंटल इशू के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे दिया गया है। एजुकेशन और स्पोर्ट्स ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओईएस तो एजुकेशन फील्ड से रिलेट करता है। तो अभी आप 2020 का जो एनईपी है, एनईपी को लेकर भी आप थोड़ा बहुत ऐसे के लिए भी प्रिपेयर होना चाहिए, ओके। ये एजुकेशन के लिए हो गया। तो यहाँ पर रिनाउंड पर्सनालिटीज़ के बारे में भी बहुत सारे ऐसे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं पी वी सिंधु है, ओके। फिर रामदेव है, धीरू भाई अंबानी है, एपीजे अब्दुल कलाम है, नोबेल प्राइज़ विनर अमर्त्य सेन है, बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, ऐसे करके बहुत सारे है, विराट कोहली, मार्क जकरबर्ग, ऐसे करके बहुत सारे रिनाउंड पर्सनालिटीज़ है, उनके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ओके। तो ये भी है। फिर क्या होता है, कुछ कुछ प्रोवर्ब्स दे देते हैं, प्रोवर्ब्स को एक्सप्लेन करने के लिए भी ऐसे दे देते हैं, जैसे कि एज यू सो सो सेल यू रीप ऐसे करके दे देंगे, उसको इलाबोरेट कीजिए, ऐसे करके भी दे देते हैं, ओके। जो 2012 का था उसमें ये आया था, ओके, एज यू सो सो सेल यू रीप ऐसे करके दे दिया था। तो बहुत सारे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, 151 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कितने दे रहे आप देखिए, यहाँ पर 168 ऐसे आपको दिया जा रहा है, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के बारे में भी है,
इंडियन क्लेम टू सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है, योगा के बारे में है, राइजिंग ऑफ चाइना के बारे में है, इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप के बारे में है, ऐसे करके बहुत सारे अदर इशू के बारे में भी यहाँ पर ऐसे आप पाएंगे। ओके, तो फिर हो गया, ये तो ऐसे हो गया, ऐसे का सिर्फ 50 मार्क्स ही आ रहा है। ओके, यहाँ पर पांच ऐसे देता है, पांच में एक करना है आपको, ये डिस्क्रिप्टिव है। ओके, फिर हो गया लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के बारे में जो बुक्स है, ये बुक्स जो है एससी गुप्ता का, ये भी आर्यहंत का है। ओके, ये भी बहुत ही अच्छा है, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया आ जाएगा कि लेटर राइटिंग कैसे लिखना है, ऑफिशियल लेटर कैसा होता है, उसका प्रोफॉर्मा करके बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसमें बहुत ही बढ़िया रूप से आप लेटर राइटिंग सीख सकते हैं। ओके, तो लेटर राइटिंग आता है 20 मार्क्स का। ओके, ये देखिए ऑफिशियल लेटर्स जो है ये, क्योंकि आप जब बीओ बनेंगे तो बहुत सारे सर्कुलर हो गए, मोमेरेंडम हो गए, ये सारे आपको डील करना पड़ेगा, तो इसके चलते आपको ये बेटर आइडिया होना चाहिए। इसीलिए जो एग्ज़ाम भी हो रहा है उसमें क्या कर रहा है गवर्नमेंट ना, लेटर राइटिंग का एक क्वेश्चन दे रहा है। ओके, तो लेटर राइटिंग का 20 मार्क्स का रहता है। फिर जो लास्ट है वो हो गया प्रिसीज राइटिंग। प्रिसीज राइटिंग के लिए भी आर्यहंत का एक बहुत ही बढ़िया बुक्स है, ये है, आप देख सकते हैं प्रिसीज राइटिंग। तो यहाँ पर भी आपको अच्छे तरह से कैसे प्रिसीज राइटिंग, अच्छे प्रिसीज क्या होता है, कैसे प्रिसीज को राइट करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर दिया गया है, ये भी आप खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, सॉल्व कुछ दिया गया है, प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है। ओके, तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। ओके, फिर हो गया जीके। जीके के लिए क्या पढ़ना है, जीके के लिए आप देखिए यहाँ पर जीके के लिए क्या लिखा है, जीके के लिए भी 100 मार्क्स का है। ओके, लेकिन ये हो जाएगा एमसीक्यू, हो जाएगा एमसीक्यू बेस्ड हुआ। ओके, तो पहले तो ये डिस्क्रिप्टिव आता था, अभी ये एमसीक्यू हो गया है। तो एमसीक्यू के लिए क्या करना है आपको, देखिए इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी ज़्यादातर क्वेश्चंस आएंगे। ओके, जो पहले जो क्वेश्चंस आता था ये देखिए आप, जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का, ये 2015 का है। यहाँ पर कैसे आता था, यहाँ पर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्वेश्चन दिया गया है। ओके, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे। ओके, यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू इन नेशनल बिल्डिंग में क्या रोल था, इसका क्वेश्चन आया है, ये देखिए। तो ये पहला क्वेश्चन से आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन आया है, या फिर यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन दिया गया है। ओके, तो ऐसे करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो गए हैं, अभी एमसीक्यू आने वाला है। ओके, एमसीक्यू के आधार पर ही जीके टेस्ट होगा। तो एमसीक्यू में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए क्या प्रिपेयर होना है, यहाँ पर देखिए जनरल नॉलेज का मेनली इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसके साथ साथ जो डे टू डे लाइफ का जो साइंस है, ओके, उसी के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये तीनों को लेकर ही आपको जीके टेस्ट होगा। तो आपको अच्छे तरह से इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, और डे टू डे साइंस के बारे में पढ़ना है। ओके, ओके, उसके लिए ये देखिए इंडियन हिस्ट्री एंड नेशनल मोमेंट, ये है जीकेपी पब्लिकेशन का, जीकेपी, ये भी बहुत ही बढ़िया है, ये यूपीएससी वाले पढ़ते हैं, और ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इंडियन हिस्ट्री और इंडियन नेशनल मूवमेंट के बेस पर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, फिर जो दूसरा बुक है इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में भी अच्छे तरह से आपको नॉलेज होना चाहिए, ये है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ये एमसीक्यू बुक्स नहीं है, ये सीधे बुक्स है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये मजीद हुसैन का है। ओके, ये भी यूपीएससी का एक बुक है, तो यहाँ पर कंटेंट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स है, तो अच्छे तरह से आप पढ़ के एग्ज़ाम अच्छे दे सकते हैं। ओके, तो फिर है एजुकेशन का। तो एजुकेशन का जो दिया गया है, जो एजुकेशन का दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं आप, एजुकेशन का जो दिया गया है, एजुकेशन का भी तो आएगा 150 मार्क्स ही आएगा, ये भी एमसीक्यू ही होगा, लेकिन यहाँ पर तीन यूनिट में डिवाइड किया गया है, एक फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, दूसरा है एजुकेशनल साइकोलॉजी, और तीसरा है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके,
तो आप ऐसे मान के चलिए कि इसमें 50 मार्क्स आएंगे, ओके, इसमें भी 50 मार्क्स आएंगे और इसमें भी 50 मार्क्स आएंगे, तो ये सारे मिला के 150 हो रहे। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए एजुकेशन का कैसे क्वेश्चन था, जो पहले डिस्क्रिप्टिव भी होता था, जो तीनों सेक्शन में होता था इक्वली 50-50 मार्क्स का, तीनों ग्रुप में 150 मार्क्स टोटल होके आता था। यहाँ पर देखिए फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन का कितना क्वेश्चंस है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 17 मार्क्स का, क्वेश्चंस नंबर 1 17 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 17 मार्क्स, 34 हो गया दोनों मिला के। फिर ये देखिए 3 नंबर 16 मार्क्स, तो ये हो गया 50 मार्क्स, ओके। तो ग्रुप बी भी देखिए एजुकेशनल साइकोलॉजी है, 4 नंबर का 17 मार्क्स, 5 नंबर का 17 मार्क्स, दोनों हो गए 34, और एक क्वेश्चन होगा 16 मार्क्स का, ओके। ये देखिए 6 नंबर है 16 मार्क्स का, ये भी हो गया 50। ग्रुप सी में भी देखिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी हो गया 17 मार्क्स एक नंबर का, ओके, 7 नंबर का 17 मार्क्स, और एक नंबर 8 का हो गया 17 मार्क्स, और लास्ट नंबर का हो गया 16 मार्क्स, ये भी हो गया 50। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओके। तो तीनों सेक्शंस बहुत ही इक्वली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी टॉपिक में इक्वल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ओके। तो क्या है सिलेबस में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन में तो पहले जो है कॉन्टेम्पररी वेस्टर्न एजुकेशनल थाट्स है, और यहाँ पर इंडियन थाट्स भी है, ओके। तो ये जो पहला वाला है ये फिलोसॉफी से रिलेट करता है, फिलोसॉफी, ये दूसरा वाला सोशियोलॉजी से रिलेट करता है, ओके, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ये एजुकेशनल फिलोसॉफी हो गया। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, थोड़ा लिख दिया है लेकिन बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, क्योंकि जो वेस्टर्न एजुकेशनल थाट्स है बहुत सारे है, ओके, आइडियालिज्म है, नेचुरलिज्म है, रियलिज्म है, प्रेगमाटिज्म है, फिर एग्जिस्टेंशियलिज्म है, ये सारे यहाँ पर आएंगे। इंडियन एजुकेशनल थॉट्स में, इंडियन एजुकेशनल थॉट्स में 6 स्कूल ऑफ फिलोसॉफी आएंगे, ओके, और उसके साथ साथ बुद्धिज्म आएंगे, जैनिज्म आएंगे, योगा आएंगे, ये 6, 3, 9 हो गए, ओके। योगा को काट देंगे तो ये कम से कम 8 आएंगे, कम से कम 8 को आपको बेहतरीन से पढ़ना पड़ेगा, ओके। तो क्या क्या पढ़ना है थोड़ा बहुत उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं, ओके। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन ये जो एस सैमुअल की बुक्स है, यहाँ पर आप फिलोसॉफी भी पाएंगे और उसके साथ साथ सोशियोलॉजी भी पाएंगे, बहुत ही मोटा बुक है ये, ओके ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दिया गया है, ओके, एम ऑफ एजुकेशन दिया गया है, तो यहाँ पर आ गया फिलोसॉफी का, देखिए एजुकेशन एंड फिलोसॉफी। आपको फिलोसॉफी में सिर्फ वेस्टर्न फिलोसॉफी या इंडियन फिलोसॉफी लिखा है, तो क्वेश्चंस आप ऐसे मत सोचना कि वेस्टर्न फिलोसॉफी में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा या इंडियन फिलोसॉफी में डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, फिलोसॉफी और एजुकेशन का रिलेशन को लेकर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, एजुकेशनल फिलोसॉफी के डेफिनेशन को लेकर क्वेश्चंस आ सकते हैं, टाइप ऑफ फिलोसॉफी जो है, जैसे कि एक्सियोलॉजी हो गया, जैसे कि मेटाफिजिक्स हो गया, जैसे कि बहुत सारी जो ब्रांचेस है, ओके, ये ब्रांचेस के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके, तो उसको भी आपको अच्छे तरह से पढ़ के जाना है। तो यहाँ पर देखिए आइडियालिज्म दिया गया है, आइडियालिज्म बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है, फिर रियलिज्म दिया गया है, ओके, रियलिज्म दिया गया है, फिर नेचुरलिज्म दिया गया है, प्रैग्मैटिज्म दिया गया है, ओके, और एग्जिस्टेंशियलिज्म दिया गया है। ये जो कुछ वेस्टर्न थॉट ऑफ फिलोसॉफी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और फिलोसॉफर्स है, बहुत सारे फिलोसॉफर्स के बारे में यहाँ पर है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, महात्मा गांधी हो गए, ओके, अरविंदो हो गए, ऐसे करके बहुत सारे थिंकर्स के बारे में है, ओके। फिर हो गया एजुकेशनल सोशियोलॉजी का दिया गया है, सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड पॉइंट में एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में दिया गया था, वहाँ पर क्या था एजुकेशनल सोशियोलॉजी में, ओके, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ओके, स्कोप ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी है, वहाँ पर सोशल चेंजेस है, सोशल डेवलपमेंट है, सोशल मोबिलिटी भी है, ओके,
सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी क्वेश्चंस आते हैं, सोशल चेंज के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सोशल कंट्रोल के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एजुकेशनल कल्चर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो इसमें आपको बहुत सारे डायरेक्ट मिल जाएंगे। ये भी है, मॉडर्नाइजेशन भी है। ओके, मॉडर्नाइजेशन भी है। ओके, तो इससे आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कमेटी और कमीशन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन कौन से एजुकेशन कमीशन है, ये सारी इसमें है। ओके, बहुत ही मोटा बुक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक मोटा बुक है। इंडियन फिलोसॉफी के लिए अगर आपको डीप पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना है, तो ये बुक सबसे बेहतरीन है, जो कि एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन फिलोसॉफी, सतीश चंद्र चटर्जी का, सतीश चंद्र चटर्जी। ओके, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक्स है, बहुत ही डिटेल में है, और आपको अच्छे तरह से मालूम पड़ेगा। ओके, मैंने बहुत सारे फिलोसॉफी के बुक्स पढ़े हैं, इंडियन फिलोसॉफी के, लेकिन ये बुक्स जो स्टैंडर्ड के है, जितना बेहतरीन लिखा गया है, जितनी सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया गया है, इससे बेहतरीन बुक्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए आप, चारबाक है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, फिर जो सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है वो भी है, ये देखिए, न्याय है, वैशेषिका, सांख्य, योगा, मीमांसा, वेदांत। ओके, तो सारी फिलोसॉफी बहुत ही डीप में दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस बुक का खासियत क्या है ना, पहले उसका थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया है, ए ब्रीफ स्केच ऑफ द सिस्टम, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जानकारी दिया गया है, और फिर अंदर में बहुत ही डीप दिया गया है यहाँ पर। ओके, यहाँ तक चारबाक है, फिर जैनिज्म है, फिर बुद्धिज्म है, बहुत ही डीप दिया गया है। ओके, फिर न्याय है, वैशेषिका है, ओके, सांख्य है, योगा है, ओके, वेदांत है। तो आपको अच्छे पढ़ना है तो ये बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं। ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के लिए आप जेसी अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, उसमें बहुत ही सिंपल वे में रिप्रेजेंट किया गया है और बहुत ही बेहतरीन दिया गया है। कोई कोई बंदे एस के मंगल का भी ले सकते हैं, एस के मंगल का भी बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन एस के मंगल में कुछ टॉपिक नहीं है, लेकिन इसमें सारे टॉपिक आ जाएंगे। एसेंशियल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो जेसी अग्रवाल का है, सारे टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, जैसे कि आपके टॉपिक में है एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में है, ओके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के डेफिनेशन वगैरह भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। ओके, क्योंकि डायरेक्ट फादर्स के बारे में आ जाती है, कुछ बुक्स के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये देखिए, लर्निंग के बारे में, लर्निंग क्या है, लर्निंग के टाइप्स क्या है, गोल्स क्या है, लर्निंग कर्व क्या है, ये सारे आपके सिलेबस में है। मोटिवेशन भी सिलेबस में है। ओके, थ्योरीज ऑफ लर्निंग भी है सिलेबस में। इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंट टेस्ट भी है, पर्सनालिटीज थ्योरी भी है। ओके, पर्सनालिटीज एंड पर्सनालिटीज जो थ्योरी वगैरह है, वो सारी यहाँ पर आप पाएंगे। ओके, फिर एडजस्टमेंट भी है, फिर मेंटल हेल्थ है, टीचर का मेंटल हेल्थ भी दिया गया है। ओके, तो ये सारे इसमें आप पाएंगे, बहुत बाकी भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन आपके लिए जो चाहिए वो सारे इसमें आप पा सकेंगे। ओके, तो जो थर्ड हो गया, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन सुपरविजन, तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन के लिए आपको एक बेहतरीन बुक है, हमारे जो ओडिशा के एक प्रोफेसर की बुक्स है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, यह है जगन्नाथ महांती का। ओके, जगन्नाथ महांती जी का है। ओके, जगन्नाथ महांती जी का। इसमें क्या क्या टॉपिक है आप देख सकते हैं, टॉपिक क्या क्या है इसमें, देखिए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थ्योरी ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग मैनेजमेंट एजुकेशन, प्रिंसिपल है, एजेंसी है, एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ये सारे कुछ आपको मिलेगा। ओके, फिर प्लानिंग के ऊपर बहुत सारे टॉपिक है, एजुकेशनल इंस्पेक्शन और सुपरविजन के बारे में है, उसके साथ साथ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट के बारे में भी है। ओके, तो इस बुक में बहुत सारे टॉपिक आपको यूं ही मिल जाएंगे। ओके, तो ये हो गया सारी बुक्स के बारे में। ओके, तो जो रिटिन होगा, तो रिटिन का टोटल हम अगर कैलकुलेट करेंगे, तो रिटिन में क्या हो रहा है, रिटिन में एजुकेशन के लिए हो रहा है 150, इंग्लिश के लिए हो रहा है 100, और जीके के लिए हो रहा है 100, तो 350 हो गया रिटिन। और जो रिटिन में अच्छे मार्क्स लाएंगे उनको ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा,
तीन गुना शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ओके, थ्री टाइम्स, और उनको ही बुलाया जाएगा, और उनका वाइवा होगा, 150 मार्क्स का, ओके। तो वाइवा के लिए भी एक हम स्ट्रेटेजी प्लान डेवलप करेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ओके। तो ये तो हो गया बुक्स के बारे में, ये तो हो गया मार्क्स के बारे में, कितना आता है, क्या क्या आता है। तो इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करेंगे? इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप तो पहले बुक्स पढ़िए, अपना नॉलेज गेन कीजिए। दूसरा हो गया SSB लेक्चरशिप का क्वेश्चंस जो है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, एजुकेशन के क्वेश्चंस है जो, उसको आप फाइंड आउट कीजिए, उसका क्वेश्चंस आंसर आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं OPSC का, जो क्वेश्चंस बनाने वाले हैं, यही उत्कल के होंगे या फिर हमारे उड़ीसा के बड़े बड़े जो प्रोफेसर होंगे वो सारे भी आकर ही क्वेश्चंस बनाएंगे, ओके। तो SSB का जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको आप देख लीजिए, वो एजुकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पता चल जाएंगे, ओके। SSB का एजुकेशन का आपको जानना है, ओके। फिर तीसरा हो गया नेट का जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का जो क्वेश्चंस है, नेट का एजुकेशन का, ओके। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन का एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो जाएगा कि आइडियालिज्म से क्या आ रहा है, प्रैग्मेटिज्म से क्या आ रहा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म से क्या आ रहा है, बुद्धिज्म से क्या आ रहा है, तो आप बेटर क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे, ओके। और ऐसे करके आप जो बहुत सारे यूनिवर्सिटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी है, उड़ीसा यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि PG एंट्रेंस हो गया या फिर PhD का एंट्रेंस हो रहा है, उसका एंट्रेंस क्वेश्चंस भी अगर आपको मिल रहा है तो उसका भी क्वेश्चंस देख के आप बेटर MCQ पा सकते हैं, ओके। तो उसका क्वेश्चंस भी आप कलेक्ट करेंगे तो आपको बेटर आइडिया हो सकता है कि एजुकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओके। तो ये हो गया चौथा, ओके। फिर पांचवा हो गया रिवीजन, जो भी पढ़ेंगे आपको रिवाइज करना ही करना है, ओके, रिवाइज करना ही करना है। तो ये हो गया रिटिन के लिए, और फिर और कुछ पॉइंट है। छठा हो गया प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसे के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, प्रिसीज राइटिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप में एक्यूरेसी बढ़ेगा, इफिशेंसी बढ़ेगा, ओके। तो ये था कुछ टिप्स जो कि आपको OES एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हेल्पफुल होगा। तो इसके बाद हम वाइवा के लिए एक स्ट्रेटेजिक वीडियो लाएंगे, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।